फ्रेंड्स, आई एम सृष्टि। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्पंज रसगुल्ले। ये फेमस स्वीट्स में से एक है और ये एक ऐसी मिठाई है जिसे हम घर पर कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ आसानी से बना सकते हैं। इसे आप जरूर ट्राई करें। चलिए देखते हैं, स्पंज रसगुल्ले बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। स्पंज रसगुल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए 2 नींबू का रस, 2 कटोरी चीनी, 4 ग्लास पानी, 1 लीटर फुल फैट मिल्क और लास्ट में डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा केसर। अब सबसे पहले हम इस दूध को हाई फ्लेम पे बॉईल होने देंगे। हमारा दूध अब अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा नींबू का रस मिलाएंगे और इसे इसमें मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि नींबू का रस डालने से हमारा ये दूध अच्छे से फट गया है और ये छेना और पानी दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब हम इसे छान लेंगे। अब हम इसे छान लेते हैं। छानने के लिए हम एक छन्नी के ऊपर इस तरह कॉटन का कपड़ा रखेंगे और उसमें से छान लेंगे। छानने के बाद हम इस छेना को ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि जो इसमें जो नींबू की खटास है वो निकल जाए। छेना को धोने के बाद हम इस तरह से प्रेस करके इसका पानी निकाल देंगे। अब हम इसे 20 मिनट के लिए कहीं भी टांग देंगे जिससे इसका एक्सेस पानी निकल जाए। 20 मिनट टांगने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अपने हाथ की हेल्प से इसे इस तरह प्रेस कर करके बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। ये छेना अब अच्छे से स्मूथ हो गया है। इसे स्मूथ करने में मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं। अब हम इस तरह थोड़ा थोड़ा छेना लेंगे और इसकी छोटी छोटी बॉल बनाएंगे। इसी तरह हम बाकी बॉल्स को भी बना लेंगे। हमारी सारी बॉल्स अब रेडी हैं। अब इसके लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक पैन में 4 ग्लास पानी लेंगे और अब इस पानी में हम ये 2 कटोरी चीनी डालेंगे। अब हम इस चीनी को इस पानी में अच्छे से घुलने देंगे। हमारी चीनी इस पानी में अच्छे से घुल गई है। अब हम इसे 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बॉयल होने देंगे। इसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें अपनी ये बॉल्स डालेंगे। इन बॉल्स को हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि ये साइज में डबल ना हो जाए। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी इन बॉल्स का साइज डबल हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इन्हें बॉईल करने में मुझे 14 मिनट्स लगे हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे। हमारे स्पंज रसगुल्ले बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे रसगुल्ले बने हैं।
अब हम लास्ट में इसे थोड़ा सा केसर से डेकोरेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे ये स्पंज रसगुल्ला बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें हम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें।